हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो आप बाल देख सकते हैं, मैंने अभी धुले हैं, बहुत गीले हो रहे हैं पता है। और मेरे बाल ना बहुत जल्दी सूख जाता है, मतलब के मतलब मैं धुलूंगी 5-10 मिनट में इतनी बढ़िया करके ड्राई हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम है यार सर पे बाल ही नहीं है। तो मैं बिल्कुल अभी नहाकर आई हूँ, इसके बाद हम लोग अभी ब्रेकफास्ट वगैरह का देखते हैं क्या बन रहा है। और आज मैं सुबह में अर्ली मॉर्निंग इसलिए भी नहा ली क्योंकि मुझे जो है पार्लर में जाना था। और ध्रुव क्या कर रहा है, ध्रुव अपने कोको चेरी के साथ में टाइम बिता रहा है। तो मुझे ना अभी पार्लर में जाना है क्योंकि थोड़े कस्टमर वगैरह अभी इस टाइम पे आ रहे हैं ना, क्योंकि सहालग स्टार्ट हो गया है दोबारा से। तो मैंने सोचा कि चलिए बाल बाल धुल लिए जाएँ, क्योंकि बाल धुलने का ना हेयर वॉश का लगा के चलिए मैं 3rd दिन धुलती हूँ, मतलब कि आज धुला है, फिर अब कल नहीं धुलूंगी, परसों धुलूंगी, या कभी कभी ये हो जाता है कि परसों तेल डालूंगी तो फिर उससे अगले दिन धुलूंगी। तो इस तरीके से मैं बालों को वॉश करती हूँ, क्योंकि ना ज़्यादा जल्दी जल्दी वॉश करते हैं यार तो वैसे ही गंदे होते नहीं है, क्योंकि मैं बाहर कहीं ऐसे जाती नहीं हूँ, मतलब स्कूटी वगैरह से तो कहीं जाने का है ही नहीं, हर जगह जो है वो या तो गाड़ी जाएगी या फिर पार्लर में ही रहते हैं, घर में ही रहते हैं, तो ऐसी कोई डस्ट वगैरह का कुछ नहीं है ऐसा। तो खुशी और ध्रुव के दोनों के टेस्ट चल रहे हैं, वो सुबह में ही स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ ध्रुव, तो किस टाइम होता है तुम्हारा टेस्ट? 9:30 इन लोगों का टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और 10:30 बंद हो जाता है, 11:30 बंद हो जाता है। तो इन लोगों ने अपने टेस्ट वगैरह दे दिए हैं, इस टाइम इनके ना फाइनल एग्जाम चल रहा है, क्योंकि अब इन एग्जाम के बाद ये लोग खुशी आ जाएगी 9th में और ध्रुव आ जाएगा 7th में। तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, पता ही नहीं चला टाइम का कैसे कैसे निकलता चला गया और बच्चे बड़े होते चले गए। तो खुशी ना भी अपना एग्जाम वगैरह दे के और उसके बाद गई है नीचे कि मम्मा जब तक आप नहा रही हो तब तक मैं नीचे जा रही हूँ, फिर उसके बाद वो आके नहाएगी, फिर ध्रुव नहाएगा, फिर इसके पापा ने अपनी नहा धो के पूजा कर भी ली। तो बस अब चलते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से ना मैंने आप लोगों को कोई अपडेट ही नहीं दिया था, मतलब यश बालाजी गए थे, फिर उससे पहले हम लोग गोवा गए थे, उसके बाद काफ़ी जगह ना हम लोगों को जाना आना हो गया, तो मैं आप लोगों के साथ में कुछ शेयर ही नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलिए आप शेयर करती हूँ। तो चलिए चलते हैं पार्लर में, ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर जा रही हूँ पार्लर में। तो पार्लर में आने के बाद आप लोग देख सकते हैं कटिंग चल रही है, और कटिंग भी कितने लॉन्ग हेयर हैं इनके। और इस कटिंग की वीडियो अगर आप लोगों को देखनी हो ना तो मैंने पूजा चौधरी वाले चैनल पर इसकी पूरी वीडियो शेयर कर रही हूँ मैं, क्योंकि इतने लंबे बालों में ना हम लोगों को किस तरीके से कौन सी कटिंग करनी चाहिए ये भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इनके हम लोगों ने ना मल्टी स्टेप किया था और बहुत सुंदर लग रहा था कटिंग होने के बाद इनका बाल। तो वो वीडियो अगर आपको देखनी हो तो आप पूजा चौधरी चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूजा चौधरी चैनल का। खुशी दिखाओ कैसे बनाया। देखो पार्लर में आके ना नए नए हेयर स्टाइल बनवाती रहती है ये लड़की, नए कारनामे। हाँ ये देखो, ये अच्छा लग रहा है। नहीं हाँ कलरफुल वालों में ना अच्छा लग रहा है। तो ये सब क्यों कराती रहती हो? पता नहीं अच्छा कैसे पता नहीं? अच्छी नींद, दीदी ने उस दिन हेयर स्टाइल कराया था तो उनकी अच्छी नींद आई थी, मन सोचा मैं भी सो के देख लूं। अच्छा चलो नीचे करना ऐसा कर दूं। हाँ बढ़िया लग रहा है खुशी, पीछे करो घुमाओ गर्दन अपनी। हाँ बढ़िया लग रहा है, अच्छा बनाया। चलो जाओ अब भाई ऐसा, चलो ध्रुव बुला रहा था, चलो ध्रुव के पास जाओ आप। अच्छा अभी हटने भी लगा बड़ी जल्दी। तो आज हम लोग बाहर खड़े होके कॉफी पी रहे हैं, ये हमारी कॉफी है और ये हम दोनों हैं और हमारी पार्टी चल रही है। पार्टी होती है, पार्टी चल रही है, ये हमारी पार्टी चल रही है। तो हम लोगों ने कुर्सी मंगाई, हाँ कुर्सी मंगाई है और अब हम लोगों की पार्टी चल रही है। यशु ये प्लॉट ने ना इतना हमारे घर के आगे की रेपुटेशन इतनी डाउन कर रखी है ना कि बस मैं आप लोगों को क्या बताऊं। एक ये दीवार, मतलब घर के आसपास ना कुछ अच्छे अच्छे वो नहीं है, क्यों घर के आसपास कुछ अच्छा व्यू नहीं है? कैसे होना चाहिए व्यू? अच्छा होना चाहिए ना, जैसे अब देखो हमारा घर है ठीक है, व्यू आ रहा है लोगों को, देखो बबली खड़ी है ऊपर, व्यू आ रहा है लोगों को ठीक है। हमने अपने घर के आगे कितना अच्छे से कितना मेंटेन कर रखा है, सब लोगों ने और उन्होंने क्यों नहीं कर रखा बताओ, क्यों नहीं कर रखा और उन्होंने? उनकी मर्जी है, उनका प्लॉट। नहीं तो गलत बात है ना, नहीं होनी चाहिए ना मर्जी, अच्छे से रखना चाहिए ना सब चीज को, बिल्कुल व्यू नहीं आ रहा। चलो अभी थोड़ी देर में घूमने के लिए चलेंगे, कॉफी पी के अपनी है ना, कॉफी पी के घूमने चलेंगे, घूमना चाहिए। कैसे करूं? थोड़ा नीचे को करो, नीचे को करके बाहर को निकाल दो। आएंगे कैसे हम ऐसे? सही आ रहा, लेकिन बड़े हिल रहे हैं ना हम लोग। तो हम लोग ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों, आज हम अपना ट्राइपॉड लेके आए हैं। कैसे करेंगे शो हो ही नहीं पा रहा जो हमें करना है। थोड़ा सा और ऊपर को करो,
क्या ऊपर करो कैमरा ऐसे करके घुमाओ ना फिर वहां लगाओ। अरे तो हिल बहुत रहा है तो हिलेगा ही हिलने में क्या दिक्कत है ना हिल बहुत रहा है लेकिन कैसे नहीं हिलेगा मतलब कभी कभी हिलता भी नहीं है ना तो कैसे नहीं हिलेगा अगर हम कैसे लें जो नहीं हिलेगा गाड़ी चला कहीं से कहीं से भी ठीक से वो नहीं बैठ पा रहा सेटिंग देखो कहीं से भी अच्छे से सेटिंग नहीं हो पा रही ये सेटिंग गेट के बाहर कोई अगर आ गया इधर हाँ अंदर कर लो सही से जो है वो सेटिंग नहीं हो पा रही सेटिंग बिगड़ रही है पापा कैसे करना सेटिंग हाँ तुम गाड़ी चला लो चुपचाप हाय पापा ने मोबाइल पकड़ लिया अपने हाथ में और तुमसे नहीं हिल रहा तुम गाड़ी भी चला रहे हो और इसको हिला भी नहीं रहे हो और मैंने गाड़ी भी नहीं चला रही हूँ और फिर भी इसको हिला रही हूँ मैं अच्छी नहीं हूँ पापा बिल्कुल भी तो हमने कुछ नया करने की कोशिश की जो बिल्कुल फ्लॉप हो गया है। आज हम पार्टी क्या कर रहे हैं मोमोज की पार्टी कर रहे हैं मोमोज अच्छे लग रहे हैं ना खुशी देख देख के ना इतना गुस्सा करती है वो जब भी हम आते हैं ना बाहर वो ये कहती है आज क्या खा के आए बाहर मोमोज खा के आए पनीर नहीं मिला पनीर वहां मिलेगा आगे चलो कोई नहीं और हम पता है घर से ये कह के निकले थे कि हम पनीर लेने निकले जा रहे हैं यशु बहुत गर्म हो ऐसे करके इसको पकड़ के ऐसे खिलाऊं तुम्हें अरे सीधे मुंह में कैसे जाएगा थोड़ा थोड़ा खा लो ओ टेस्टी बहुत ही टेस्टी लग रहा है कहाँ के हैं टेम्पटेशन के सामने जो बनते हैं बहुत ही यम्मी बनाता है ये बाहर जो ठेले लगते हैं उन्हीं के अच्छे लगते हैं नैनीताल में भी तो ठेलों के ही अच्छे लगते हैं बाहर दुकान वाले तो सब वो कर देते हैं जो ठेले पे खाने में मजा है बहुत गर्म है ओह माय गॉड लेकिन पता है मोमोज लगते गर्म गर्म ही अच्छे हैं है ना ऐसा नहीं है कि इनको ठंडा करके खा लो और ये लाल चटनी इतनी हवा निकल जाएगी हमारा कुछ नहीं चलता ये सब चीजें ना खाना पसंद नहीं करते बिल्कुल भी बट मैं जबरदस्ती खिलाती रहती हूँ तुम्हें शरीर को सब चीज खाने की आदत होनी चाहिए तभी वो पचाएगा उसका काम है जो हम खाना अंदर ले रहे हैं उसको पचाना जब उसको खाना अंदर नहीं मिलेगा तो क्या पचाएगा सही कह रहे हो क्या खाओ भैया तो मैं नहीं खाऊंगा नहीं ये ना, 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 ना। लास्ट पापा लास्ट देखो मियोनीस के साथ मैं लूंगी ये लास्ट बहुत ही अच्छे मोमोज होते हैं यहाँ के टू गुड खुशी देखेगी ना कल भी पता है हम लोग उनके लिए लेके गए थे ना टिक्की लेके गए थे और क्या लेके गए थे आज भी लाया हूँ मैं पेस्ट लिया है कुछ ना कुछ हम लोग के लिए जाता जरूर है और सोचो वो हमारे साथ में बहुत घूमते हैं बहुत प्यारी पेस्ट लाया हूं और पता क्या होता है हम लोग उनको रात में लेके आते हैं जब पार्लर वालर सब बंद हो जाता है उनके सर ट्यूशन पढ़ा के चले जाते हैं ये जो टाइम है दिन वाला ये हम लोग अपना साथ में बिताते हैं जब मैं पार्लर में किसी टाइम फ्री हूँ यश आ गए अचानक मैंने देख लिया कि बाहर बैठे हैं ये या क्या कहते हैं आए हैं कहीं से मैं तुरंत इनसे बोलती हूँ चल 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 घड़ी से कहीं घूम के आते हैं ये इनकी बैटरी चार्ज होती है बैटरी लो पड़ जाती है इनकी पूरे दिन उसके बाद शाम हाँ दिमाग खराब कर करके शाम को बैटरी चार्ज होनी जरूरी है घूमने से ना मेरी बैटरी चार्ज होती है और यही सब कुछ आप लोगों के साथ में मुझे इंजॉय करती हूँ मैं दिखाना सब कुछ क्योंकि ये रियलिटी है हम लोग मैं पता है वीडियो में बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं करती कुछ नहीं करती बिल्कुल भी बंद कर दो अब हम खा लें आराम से जब मैं यश के साथ निकलती हूँ ना तो ये बहुत गुस्सा करते हैं क्या क्या ले लेती हूँ ज्यादा नहीं लिया आज मैंने कितना कम तो लिया है
क्या शू ज्यादा लिया कोई देखना जरा इधर दिखाओ मुँह ज्यादा लिया कोई कुछ भी तो लिया नहीं है फाइनली हम लोग ओ माय गॉड लेकर आ गए हैं जो भी हमें चाहिए था जो हमें चाहिए भी नहीं था वो भी लेके आ गए हैं कि पापा इसीलिए ना ये मुझे उतरने नहीं देते कहीं क्यों यशु कहते तुम नहीं जाओगी मैं अपने आप खरीद के लेके आऊंगा तुम नहीं जाओगी पता मुझे कुछ नया नया देखती हूँ ना मैं मार्केट में कुछ नया आया वो मैं देखूंगी तो मेरा मन करता है कि मैं उसको भी ले लूं क्योंकि ट्राई करने में क्या जा रहा है घर पे बना बना के ना ये सब चीजें खाते हैं तो बड़ा अच्छा सा लगता है यार हर चीज बाहर ही थोड़ी ना खाएंगे घर के कुछ चीजें घर में बनाने का भी मन करता है ना वैसे भी खुशी को कुकिंग का बहुत ज्यादा शौक है मतलब कुकिंग क्या वो वैसे दाल चावल रोटी सब्जी ये बनाना पसंद नहीं करती बर्गर चाउमीन ये वो पता नहीं क्या क्या ट्राई मारती रहती है तो मेरा मन करता है और ये खुद ला के देते हैं उसको इतना सामान और मैं ले लेती हूँ तो बहुत गुस्सा करते हैं क्यों पापा बेफालतू की चीजें लेती हो ना मैं कुछ भी बेफालतू आज नूडल अगर खाने लायक हूँ हाँ हक्का नूडल अच्छे हाँ, लगते हैं देख लेना इतने इतने मोटे हैं वो नहीं है वो पतला हो जाता है हक्का नूडल लेके आई हूँ भाई मैं बताओ खाने के लिए नहीं हो तो उसका मसाला भी लेके आई हूँ कितना अच्छा लगता है वो घर में बनाते हैं तो वो जो चीज ना अगर जो उसके यहाँ नहीं बिकती होगी वो तो मैं भिड़ा देता हूँ अच्छा अच्छा और ये भाभी जी बताओ तो बताओ और क्या चाहिए बताइए बंद कर देती हूँ क्योंकि डांट पड़ेगी तो मैं आ गई हूँ पार्लर में बहुत सारी गाड़ी में डांट पड़ी जैसा कि आप लोगों ने थोड़ा सा सुना था कि जो लिया गया सामान उसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग सुनने के लिए मिले और वो डायलॉग इतने हो गए कि कैमरा बंद करना पड़ गया भाई बहुत डांट पड़ी बहुत और पूरी गाड़ी में घर तक डांट ही पड़ती रही है हमने तो उनको सामान लेके ऊपर भेज दिया है और हम आ गए हैं नीचे अभी हम जाएंगे 1 से 1.5 घंटे बाद जाऊँगी मैं ताकि उनका गुस्सा शांत हो जाए उसके बाद जाके कहूँगी हाय पापा कौन हो गया फिर वो कहेंगे अच्छा मोटी कुछ ना हुआ पापा पापा करके पागल बनाती रहा क्या करें कभी कभी ना लड़ाई झगड़ा होना भी जरूरी है मियाँ बीवी में अगर सब कुछ मीठा मीठा चलेगा ना तो डायबिटीज हो जाएगी खट्टा मीठा सब चलना चाहिए तो मुझे तो मज़ा आता है जब मैं ऐसे लड़ाई करती हूँ ना बड़ा मज़ा आता है बहुत ही अच्छे लगते हैं गुस्से में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं तो अभी हमारा पार्लर जो है वो बस बंद करने वाले हैं हम लोग और उसके बाद हम लोग जाएंगे ऊपर जाऊँगी मैं अब घूमने नहीं जाऊँगी अब जाऊँगी कल घूमने के लिए क्योंकि आप दोबारा घूमने के लिए बोला ना तो बहुत ही गुस्सा करेंगे तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल और जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम पे मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय गुड नाइट